So today we will be doing all your practicals, right? Whatever the chemical reactions, displacement reactions, जो भी हैं आपकी, हम वो सारी study करेंगे. समर्थ आ जा बाहर. Come out. Write down the activity series. So this is your third experiment. Okay. You have to observe the actions of some of the metals like zinc, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. ये आपको मेटल्स गिवन है और इनका ही हमने इनके सॉल्ट पे एक्शन स्टडी करना है. जिंक का जिंक सल्फेट लिया है, आयरन का आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्ट. राइट, सो वी विल बी सीइंग विच मेटल इज रिएक्टिंग विद विच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन. And that all depends on their reactivity. ठीक है, जो metals आपके ऊपर हैं, they are highly reactive, और जो नीचे हैं, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे reactivity जो है वो कम होती जाएगी. बैठो, first desk पे बैठो. Potassium, sodium, हाँ जी ठीक है. तो द लास्ट वन इज प्लैटिनम, दैट इज पीटी. अब सबसे पहले हम रिएक्शन स्टडी करते हैं. इफ वी टेक द जिंक मेटल, ठीक है, एक मेटल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके साथ बाकी सारी रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे. जिंक मेटल ने जिंक सल्फेट के साथ तो रिएक्शन करनी नहीं है क्योंकि दोनों सेम सेम मेटल्स है. ठीक है, नेक्स्ट टेक FeSO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एंड जिंक प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. हाँ जी, स्टैंड अप दिलप्रीत, दिलप्रीत स्टैंड अप. क्या? हाँ जी, फर्स्ट रिएक्शन बेटा. फर्स्ट रिएक्शन जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है. अगली, नेक्स्ट, हाँ जी, व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट रिएक्शन? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट विल गिव यू ZnSO. जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव. ठीक है, तो हम सबसे पहले ये सारी रिएक्शंस लिख लेते हैं. ठीक है, एंड देन वी विल बी स्टडिंग देयर एक्शंस. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड इज आयरन जो है, किसने बिठाया बेटा आपको? आयरन जो है वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट. हाँ जी, आयरन प्लस जिंक, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस लिखते हैं. उसके बाद ले लेते हैं कॉपर. कॉपर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा. ठीक है, हाँ जी, इसकी रिएक्शंस बोलो. इधर से स्टैंड अप.
कॉपर की जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन क्यों? मैंने यही मारना है मुंह पे। कौन? सेकंड क्या? थर्ड? थर्ड की भी नो रिएक्शन है। तो यानी कि कॉपर जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करे। सो डाउन लास्ट वी आर लेफ्ट विद एल्यूमिनियम। इट विल गिव Al2SO4 tries same ठीक है। इसके साथ आयरन रिलीज हो जाएगा, इसके साथ कॉपर। अब इसमें से नो रिएक्शंस कौन कौन सी हैं वो हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी रिएक्शंस मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले जिंक मार्टल ले लेते हैं। अभी डालना ही नहीं मैंने कुछ। ये देखिए बेटा, दिस इज एल्यूमिनियम। इधर इसमें से निकालो थोड़ा सा। बस बस ऐसे चुप दे। समर्थ इधर आओ, ऊपर जाओ भैया के पास। बाकी सारे सॉल्ट्स लेके आओ, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और क्या बच गया? एल्यूमिनियम है, जिंक नहीं है। जिंक और आयरन सल्फेट लेके आओ। चलिए देखो बेटा, दिस इज एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमने एल्यूमिनियम मेटल लिया है एंड दिस इज कॉपर सल्फेट। एल्यूमिनियम की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन पॉसिबल है? ऐसे नहीं कुछ होगा। देखो हल्का सा इसमें टिंच आ रहा है, ब्लूइश टिंच, दैट इज शोइंग कि ये कॉपर के साथ रिएक्ट हो रहा है। और मेटल्स की रिएक्शन कई बार स्लो भी होती है, तो हमें थोड़ी देर इसको रखना पड़ेगा एंड देन वी विल बी सीइंग। देखो कलर लाइट हो रहा है और हल्का सा ब्लू टिंच जो है वो एड ऑन हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको छोड़ दोगे ये कलर जो है वो आता जाएगा। देखो ठीक है, दिख रहा है? सम
सामान सारा देके नहीं गए हैं मुझे। चलिए जब तक आपके सॉल्ट्स आ रहे हैं, पूरे सॉल्ट्स नहीं है, लेट्स टेस्ट देयर पीएच वैल्यूज। ठीक है, तो ये पीएच स्केल है हमारे पास, दिस इज द पीएच पेपर, ऐसा ही आता है पीएच पेपर। हाँ जी, सो दिस इज रेड, कौन सा हो सकता है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा, ये नेचुरल ही ऐसा है। आप बताओ, दिस इज ब्लू, अभी क्या डाला होगा, नाउ ऑरेंज है और रेड है, यानी कि जो रेड वाला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जो येलो वाला है वो वीक एसिड। ठीक है, और क्या देखे गए हैं भैया, राघव इसका सॉल्यूशन बनाओ। डालो राघव, ऐसे डालो ना इससे, और इसमें पानी ऐड करो। नो नॉइस, इसको बंद भी तो करना है। चलिए बेटा सी, आई डोंट हैव ड्रॉपर फॉर दिस, तो मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन लेके यहीं पे लगा दिया। इज द कलर चेंज्ड, कलर चेंज हुआ है कोई, क्या कलर हुआ है चेंज, आपने उसको जस्ट वेट किया, आपको लाइट के कारण वो लग रहा होगा, अदरवाइज होल्ड करके देखो उसको, कलर नहीं चेंज हुआ है, आपको लाइट के कारण हल्का सा लग रहा है, गीला गीला लग गया ना, गीला गीला है वो। चलिए नेक्स्ट, स्टार्ट विद दिस इज जिंक मेटल, इधर आ, इसमें ये मिक्स करो, ये कॉपर का बनाना है, नहीं डिलो, इसमें कॉपर का बनाओ, आयरन सल्फेट है ये। दिस इज जिंक, दिस इज आयरन सल्फेट, जिंक प्लस आयरन सल्फेट, लेट्स ऑब्जर्व द कलर चेंज नाउ। हो गया जिंक का, बन गया, पानी डालो, पानी डालो, जिंक में आयरन सल्फेट, जिंक है जिंक। एल्यूमिनियम सल्फेट वो पड़ा नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन,
तू बैठ जा इसके ऊपर। तीसरा कौन सा बनाया? एल्युमिनियम सल्फेट। हाँ जी देखो बेटा, दिस इज आयरन सल्फेट। आप देख सकते हो इसका कलर हल्का ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो गया है, जिंक का देख सकते हो। अगेन दिस इज कॉपर आल्सो, ब्लैक टिंच आनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि जो आपका जिंक मेटल है वो करोड़ होना शुरू हो गया। जिंक को तीनों में डाला है, आयरन सल्फेट। ये पक्का एल्युमिनियम सल्फेट ही बनाया है। हाँ जी विद द एल्युमिनियम सल्फेट क्यों होगा? तो जैसा है वो वैसे ही रह रहा है। देखो बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब्स, सी द अदर टू टेस्ट ट्यूब्स, दिस इज कॉपर सल्फेट विद जिंक, दिस इज आयरन सल्फेट विद जिंक एंड दिस इज एल्युमिनियम सल्फेट विद जिंक। तो जिंक ऐसा था ओरिजिनली, इसमें भी देख सकते हो और इसमें भी देख सकते हो, ठीक है? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन की रिएक्शन आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हो। जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है डेट विल वैनिश एंड हो जाएगा धीरे धीरे। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इट गिव्स ग्रीन कलर, ठीक है? कॉपर्स के साथ ये सारी रिएक्शन नॉट पॉसिबल है, एल्यूमिनियम की कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो नहीं बनाना और कोई? ये कौन सा है? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट है ये, इसमें डालो, इसमें कॉपर सल्फेट बनाओ। कॉपर सल्फेट रहने दे, कॉपर वाला टेस्ट कर लिया हमने, दूसरा बनाओ, जिंक सल्फेट बनाओ, जिंक सल्फेट। बस बना दे खाने डाल। Thank you.
This is the displacement reaction of aluminium with copper sulfate, zinc sulfate and ferrosulfate. क्योंकि कलर का यहाँ पर एल्यूमिनियम का कलर डार्क है, इसलिए आपको ज्यादा रिएक्शन नजर नहीं आएगी विजिबल. कॉपर का भी डार्क कलर था ब्लू, इसलिए उसने अपना चेंज शो कर दिया. सेम है, मैं वही बोल रही हूँ, कलर जो है एल्यूमिनियम का डोमिनेट कर गया यहाँ पर. ठीक है, रिएक्शन हो रही है बट आपको चेंजेस जो है वो इसमें शो नहीं हो रहा. एल्यूमिनियम मेटल डाला इसमें ज्यादा ज़्यादा नहीं, नहीं थोड़ा सा ही डाला था मैंने, बट वो कवर कर गया ना उसको. बाकी दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे, दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे. अब ये कौन सा कलर आ गया, तो डेट मींस रिएक्शन इज फिजिबल. हाँ जी, जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट के जो सॉल्यूशन थे देवर कलरलेस, कलरलेस है ना दोनों. जब मैंने इसमें एल्यूमिनियम ऐड किया तो आप देख सकते हो कलर चेंजेस देयर. ठीक है, राइट. तो विद दिस योर प्रैक्टिकल्स आर कंप्लीट. ओके, so we have seen the pH values of hydrochloric acid, NaOH, ethanoic acid देखे नहीं गए, water है और base है आपका sodium hydrogen carbonate. decomposition reactions, इसका बनाना है, इसका और इसका, बेरियम क्लोराइड और सोडियम. किसका? नहीं नहीं, इसका अलग सॉल्यूशन बनाना है, इसका अलग. क्लीन नहीं करनी है उसको, इसमें डाल सोडियम सल्फेट. सी, दिस इज बेरियम क्लोराइड. Enough, girls. हो गया मिक्स. पानी डाल देता और थोड़ा. देखिए बेटा, इट इज बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. हल्का सा क्लियर सॉल्यूशन है आपको नजर आ रहा है, ऐसे कोई पीपीटीज बैठे नजर नहीं आ रहे हैं हमें. ठीक है, सॉल्यूशन इज क्लियर. सी, दीज आर द प्रेसिपिटेट्स ऑफ These are the precipitates of
बेरियम क्लोराइड मिक्स किया और सोडियम सल्फेट मिक्स किया, तो ये प्रेसिपिटेट किसके हैं? बेरियम, ठीक है। पेरिस क्रिस्टल दिए देखना, FeSO4। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन यू हीट फेरस सल्फेट? हाइड्रेटेड है देखना, ठीक